खरगोन जिले के गोगांव में कोरोना का कहर जारी है। एक ही परिवार में कोरोना पॉजिटिव के 10 केस निकले। देश में बढ़ते कोरोना पॉजिटिव केसों ने लोगों की नींदें उड़ा रखी है। पहले शहर, फिर नगर और अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी कोरोना ने अपना विकराल रूप दिखाना शुरू कर दिया है। ऐसा ही मामला खरगोन जिले के गोगांव में देखने को मिला, जहां एक ही परिवार के 10 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने से क्षेत्र में डर का वातावरण बन गया है। गोगांव ग्राम पंचायत सचिव ओम प्रकाश यादव ने हमारे संवाददाता को बताया कि गोगांव में कोरोना के अब तक 45 केस आए हैं, जिनमें से 3 व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है। क्षेत्र में बहुत समय के बाद कोरोना संक्रमण का मामला सामने आया है। रविवार को एक साथ एक ही परिवार के 10 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने से क्षेत्र के लोगों में भय का माहौल बन गया है। सचिव ने हमारे संवाददाता को यह भी बताया कि गोगांव में एक साथ 10 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने से अपर कलेक्टर, SDM सहित उच्च अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर कंटेनमेंट एरिया का निरीक्षण किया। गोगांव से संवाददाता इकबाल हकीम की रिपोर्ट। ग्राम पंचायत गोगांव में अभी तक 35 व्यक्ति पॉजिटिव प्राप्त हुए हैं और उनमें से 3 व्यक्ति उनकी मृत्यु हो चुकी है। 32 व्यक्ति ऐसे हैं जो घर स्वस्थ होकर घर लौटे हैं, स्वस्थ हैं। बहुत समय के बाद अभी एक ही फैमिली से 10 व्यक्तियों की रिपोर्ट पॉजिटिव प्राप्त हुई है। बताया जा रहा है कि वो कहीं नज़दीक के व्यक्ति की शव यात्रा में शामिल होने गए थे, उन्हीं के कारण से संक्रमण की संभावना बनती है और वर्तमान में उन्हें जिला चिकित्सालय में आइसोलेट किया गया है। ग्राम पंचायत क्षेत्र में 4 कंटेनमेंट एरिया है जो सतत प्रशासन, स्थानीय प्रशासन की निगरानी में, जिनके द्वारा सतत निरीक्षण किया जाता रहा है। कुल कितने केस हो चुके हैं अभी तक? 45 व्यक्ति पॉजिटिव रिपोर्ट है। क्या नाम लिखते हैं? ओम प्रकाश यादव, सचिव ग्राम पंचायत गोगांव। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।